Dear students, today we will do class 9th math lab activity to verify that the angles in the same segment of a circle are equal. Prerequisite knowledge for this activity: basic terms related to circle like center, chord and segment, etc., and geometrical meaning of segment of a circle and angles in the same segment. Materials required for this activity: white sheet of paper, colored sheet of paper, carbon paper or tracing paper, geometry box, a pair of scissors, adhesive fevicol or gum. Procedure of this activity: first step, cut out a circle of suitable radius from a colored paper and paste it on a white sheet of paper. Second step, take two points A and B on the circle and join them to obtain a chord AB, as you can see in this figure. Now next step, take two points P and Q on the circle in the same segment and join AP, BP, AQ and BQ. Next step, make replicas of angle APB and angle AQB using tracing paper. Next step, place the cutout of angle APB on the cutout of angle AQB such that vertex P falls on the vertex Q as shown in the figure 2. As you can see here, प्रोसीजर में हमें करना क्या है, हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है कलर शीट पे. उस सर्कल को हमें वाइट शीट पे ऐसे पेस्ट कर लेना है. उसके बाद उस सर्कल पे हमें दो पॉइंट्स मार्क करने हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. यहाँ से इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉर्ड ए बी. इसके बाद किसी भी एक सेगमेंट में, चाहे तो आप माइनर सेगमेंट में ले लीजिए चाहे आप मेजर सेगमेंट में ले लीजिए. तो यहाँ पर मैंने मेजर सेगमेंट में लिए हैं पॉइंट पी एंड क्यू, ठीक है, सर्कल पे कोई दो पॉइंट. तो यहाँ पे हमारे पास सेम सेगमेंट पे हमें दो एंगल मिल रहे हैं, एक तो एंगल ए पी बी एंड दूसरा एंगल हमें मिला है एंगल ए क्यू बी, ठीक है. उसके बाद हमें क्या करना है, ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से इन दोनों एंगल्स के रेप्लिकास बना लेने हैं. जैसे यहाँ पे ये है एंगल ए क्यू बी, ठीक है, इसका रेप्लिका है. और इसी तरह से यहाँ पर दूसरा हमने यहाँ पर बना लिया है एंगल ए पी बी. ये एंगल ए पी बी को हमने यहाँ पे ट्रेस कर लिया है, ठीक है, इस तरह से ट्रेस कर लेंगे. रेप्लिकास बनाने के बाद हमें क्या करना है, फिगर टू में एंगल ए क्यू बी और एंगल ए पी बी इस तरह से रखना है कि एंगल ए क्यू बी का वर्टेक्स क्यू और एंगल ए पी बी का वर्टेक्स पी एक दूसरे को क्या करें, कोइंसाइड करें, ठीक है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एंगल ए पी बी और एंगल ए क्यू बी है वो क्या है, इक्वल हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर रहे हैं. इसके बाद हम एक्चुअल मेजरमेंट से भी अपने आंसर को इस तरह से यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे. तो एक्चुअल मेजरमेंट के लिए हमें क्या करना है, प्रोटेक्टर लेना है. यहाँ पे हम मेज़र कर लेंगे एंगल ए पी बी. तो यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में एंगल ए पी बी इक्वल्स टू है 80 डिग्री, ठीक है. इसी तरह से हम एंगल ए क्यू बी को मेज़र कर लेंगे. यहाँ पे एंगल ए क्यू बी भी हमारा क्या है, 80 डिग्री, ठीक है. तो यहाँ एक्चुअल मेजरमेंट से भी वेरीफाई हो गया है कि एंगल ए पी बी एंड एंगल ए क्यू बी आर इक्वल. ऑब्जर्वेशन, एज वी हैव ऑब्जर्व्ड फ्रॉम फिगर टू दैट एंगल ए पी बी कम्प्लीटली कवर्स एंगल ए क्यू बी, इट मीन्स एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए क्यू बी. एंड बाई एक्चुअल मेजरमेंट एज वी हैव डन विद द प्रोटेक्टर, measure of angle AQB in this figure is 80 degree and measure of angle APB it is also equals to 80 degree. It means angle AQB is equals to angle APB. It may vary according to the figure drawn by you. And result of this activity is we have verified that the angles in the same segment of a circle are equal. Thank you.